संविधान दिवस के उपलक्ष्य में शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से एमजी रोड स्थित कार्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में शहर कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चिल्लू ने संविधान दिवस पर विचार व्यक्त किए। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से एमजी रोड स्थित कार्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में शहर कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चिल्लू ने संविधान दिवस पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान बीजेपी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान को बदलना चाहती है। कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। इसके लिए चाहे हमें कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े। आज ही के दिन 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा ने संविधान बनाकर सरकार को सौंपा था। 2 साल 11 महीने 18 दिन में बाबा साहब की कमेटी द्वारा इसको तैयार किया गया था और ये संविधान देश के दुनिया के तमाम देशों में सर्वोच्च संविधान कहलाता है। इस संविधान में लोगों को समानता का अधिकार जो दिया गया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई जो प्यार से यहाँ रहते हैं। आज वर्तमान सरकार जो नारा दे रही है नई संसद नए संविधान, उससे ये प्रतीत होता है कि ये सरकार लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। साथियों, आज शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय आगरा पर संविधान दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और सभी शहरवासियों देशवासियों को मैं भी बधाई देना चाहता हूँ। जिस तरह से बाबा साहब अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलकर 2 साल 11 महीने 18 दिन तक ये सबसे दुनिया का सबसे लंबा संविधान लिखा, उसके लिए उन्हीं को मैं तारीफ के काबिल समझता हूँ, क्योंकि दुनिया के अलग अलग हिस्सों के जो संविधान है उसमें से भी कुछ हिस्से इस संविधान में लिए गए। क्योंकि आज कांग्रेस जन चिंतित है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह भारत के संविधान की धज्जियाँ उड़ा करके वो अपना नया संविधान लागू करना चाहती है। लेकिन आज कांग्रेस जनों ने संकल्प लिया है कि अगर बीजेपी के लोग इस भारतीय संविधान के संग छेड़खानी करेंगे तो कांग्रेस जन ईंट से ईंट बजा देंगे। शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर संविधान दिवस पर आयोजित संगोष्ठी में शामिल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर मधुरिमा शर्मा ने भी केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने 6 दशक से अधिक समय तक भारत के मूल संविधान के अनुसार देश में शासन किया, लेकिन भाजपा शासित केंद्र सरकार अपने निजी स्वार्थ के चलते संविधान को बदलना चाह रही है। कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद हमको एक संविधान की ज़रूरत थी। तमाम अध्ययनों के बाद एक ऐसा संविधान तैयार किया गया जिससे देश को चलाया जा सके। आज हमारी जो देश में वर्तमान सरकार है वह जब किसी भी प्रकार की उसकी कोई समीक्षा करता है, आलोचना करता है, तो वो लोगों को समझती है कि ये हमारा विरोध कर रहे हैं और बोलने नहीं देती है। सो तमाम संवैधानिक संस्थाओं का वो दुरुपयोग कर रहे हैं। जिसमें बाबा साहब ने कही थी कि अब राजा रानी के पेट से नहीं जनता के वोट से पैदा होगा, और आज इसी संविधान को ये मनुवादी ताकत है संघी लोग खंडित करना चाह रहे हैं। जो बाबा साहब ने एक सपना देखा था अखंड भारत का, उस सपने को तोड़ना चाहते हैं, खंडित करना चाहते हैं, संविधान को चूर चूर करना चाहते हैं। तो हम कांग्रेस जनों का ये संकल्प है कि 2024 में हम पूर्ण बहुमत की सरकार लाकर मेहनत करके इनकी सरकार उखाड़ फेंक संविधान की रक्षा करेंगे और जैसा संविधान पहले चलता था उससे भी अच्छी तरीके से हम संविधान को लागू करवाएंगे। आज से 26 जनवरी 1949 को ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब द्वारा ये संविधान सभा को सौंपा गया था और 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और भारत एक रिपब्लिक कहलाया। आज वर्तमान देश में जो परिस्थितियाँ हैं और संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, नई संसद नए संविधान की बात हो रही है, उस सब का कांग्रेस डट के विरोध करेगी। कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर संविधान दिवस पर हुई संगोष्ठी में शहर भर से कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।